हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोलोनॉइड वॉल के बारे में हम जानेंगे कि सोलोनॉइड वॉल क्या होता है इसका काम क्या होता है और साथ में ये भी जानेंगे कि ये कैसे काम करता है और इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है तो फ्रेंड्स ऐसे ही इंडस्ट्रियल टेक्निकल वीडियोज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियोज़ इस YouTube चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूं। 830 से ज़्यादा वीडियोज़ जो हैं अब तक मैंने अपलोड कर दी हैं और मैं रेगुलरली नए नए वीडियोज़ जो है वो अपलोड करता रहता हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बने रहिएगा है वीडियो में अंत तक तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर सोलोनाइड नाइट वॉल्व क्या होता है देखिए वॉल्व से तो क्लियर है कि एक ऐसा इक्विपमेंट होता है मैकेनिकल इक्विपमेंट होता है जो कि पाइपलाइंस में फिट होता है जो कि फ्लूइड को कंट्रोल करता है फ्लूड के फ्लो को है ना चाहे वो कोई भी फ्लूइड हो लिक्विड हो गैस हो है ना ऑयल हो कुछ भी हो सकता है वॉल्व एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसे कि हमें मैकेनिकली ऑपरेट करना होता है है ना ओपन या क्लोज इस तरह से हम उसको ऑपरेट करते हैं और फ्लूड फ्लो को कंट्रोल करते हैं है ना लेकिन ये सोलोनाइड वॉल क्या होता है ये एक इलेक्ट्रो मैकेनिकली ऑपरेटेड वॉल होता है यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है वॉल मैकेनिकल वॉल को ऑपरेट करने के लिए है ना वॉल को ओपन या फिर क्लोज करने के लिए तो अब बात करते हैं आखिर इस तरह के वॉल की ज़रूरत क्यों है हमें तो देखिए मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं बहुत सारी मशीन्स होती हैं जिनमें वॉल को टाइमली ओपन या फिर क्लोज़ करना होता है है ना एकदम टाइम से तो जो कि मैनुअल कर पाना बहुत ही मुश्किल है किसी इंसान के द्वारा तो इसमें क्या होता है इसमें कंप्यूटर से फिर टाइमिंग जो है वो सेट कर दिया जाता है पी के थ्रू और फिर ओपन या फिर क्लोज़ टाइमिंग के हिसाब से मान लीजिए किसी वॉल को पाँच सेकंड के लिए ओपन करना है फिर दस सेकंड के लिए क्लोज करना है तो ये सारी सेटिंग उसमें डाल दी जाती है जिससे कि वॉल जो है वो टाइमली ऑपरेट होता है और आपका उस टाइमिंग के अकॉर्डिंगली फ्लूड जो है वो फ्लो हो पाता है अब बात कर लेते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की तो देखिए ये जो निचला हिस्सा जो दिख रहा है ये मैकेनिकल वॉल्व है और ऊपर में जो ये लगा हुआ है ये पोर्शन आपका है सोलोनॉइड देखिए सोलो के अंदर क्या होता है इलेक्ट्रिकल कॉयल लगा होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है है ना अब ये जो वॉल्व है वॉल्व और कॉयल इसके बीच में एक प्लंजर होता है जो कि एक मैकेनिकल इक्विपमेंट होता है, है ना वो प्लंजर जो है वो स्प्रिंग से कनेक्टेड रहता है जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है तो प्लंजर जो है वो मूव करता है अप या फिर डाउन है ना और वो उस वॉल्व के जो ओपनिंग है उसको ओपन या फिर क्लोज करता है जिससे कि क्या होता है आपका वॉल्व जो है वो ओपन होता है या फिर क्लोज होता है मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई किया गया और प्लंजर जो है वो मूव हुआ है ना प्लंजर मूव हुआ और आपका वॉल्व ओपन था मान लीजिए वो क्लोज़ हो गया या फिर क्लोज था वो ओपन हो गया दोनों तरह की इसमें अरेंजमेंट रहती हैं बहुत सारी अलग अलग डिज़ाइंस आते हैं है ना फिर जब इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही सप्लाई काट दिया जाएगा तो प्लंजर जो है वापस अपने प्रीवियस पोजिशन में आ जाएगा ऐसा क्यों आएगा क्योंकि वो कनेक्टेड रहता है एक स्प्रिंग से तो प्लंजर जो है जिसे कि पिस्टन भी कहा जाता है वो स्प्रिंग से कनेक्टेड रहता है और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो उसको बंद की जाती है वापस अपने पोजीशन पे आ जाता है अब बात कर लेते हैं सोलो नाइट वॉल के एप्लीकेशंस की देखिए एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन है आज के डेट में इंडस्ट्रीज में लेकिन हम कुछ कॉमन जो एप्लीकेशन है जिसको आपने देखा होगा वो बता दे रहा हूँ सबसे पहला है बैक फिल्टर्स में पर्जिंग के लिए बैक फिल्टर के टॉप में पर्जिंग के लिए यूज़ किया जाता है सोलोनाइड वॉल्स का ठीक है हाइड्रोलिक सिस्टम्स में हाइड्रोलिक पावर पैक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है तीसरा है कन्वेइंग सिस्टम में एस हैंडलिंग सिस्टम्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है है ना और इसके अलावा आपने रिसीवर टैंक्स में देखा होगा एक छोटा सा वॉल्व लगा होता है मॉइस्चर को ड्रेन करने के लिए वो भी आपका सोलोनाइड नाइट वॉल्व है ना तो ये कुछ कॉमन एप्लीकेशन हो गए जो जिसको आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज़ में तो फ्रेंड्स ये वीडियो थी हमारी सोलोनाइड वॉल्व के ऊपर उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी अगर एक पर्सन भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलविदा